तो भारतीय जनता पार्टी है जिसको खून पसंद है, हिंसा पसंद है, घृणा पसंद है। पहली बात यह है कि छत्तीसगढ़ में कानून का राज। 5 साल पहले लगातार छत्तीसगढ़ जल रहा था नक्सल समस्याओं से, अब वो बहुत पीछे हम लोगों ने उसे धकेल दिया है, बहुत सीमित क्षेत्र में रह गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसको खून पसंद है, हिंसा पसंद है, घृणा पसंद है, और इसी कारण से वो लगातार उनके कार्यकाल में नक्सल गतिविधियां बढ़ा। अब जब वो शांत हो रहा है सब, तब ये ईडीआईटी के माध्यम से गर्म किया जा रहा है, और पूरा जो साम्राज्य है छत्तीसगढ़ के जितने खदाने हैं सबको अडानी को सौंपने का षड्यंत्र कर रहा है, आपका ध्यान दूसरी तरफ भटका के। अभी गारेपिल्मा तो दे दिया एसीसीएल की खदान को, जो एसीसीएल खुद इतना कोयला उत्पादन करता है, हमारा जो बिलासपुर जोन है वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू अर्जित करने वाले देश का है, उसके बाद भी वो खदान को एसीसीएल के खदान को अडानी को दिया। एनएमडीसी जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है उसको हटा के वो अडानी के दे रहे थे। मुख्य बात यह है कि अडानी को नहीं दे पा रहे हैं, राज्य सरकार बीच में खड़ी हुई है, इस कारण से राज्य सरकार कैसे भी अपदस्थ करो, ये केंद्र सरकार का षड्यंत्र है। और भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। तुष्टिकरण की बात है, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था का राज करता है, कानून का राज गलत चाहे कोई भी करे उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। महादेव पूरे देश में बहुत सारे राज्यों में फैला हुआ है, कौन सा राज्य है या भारतीय जनता पार्टी शासित कोई राज्य है जो बताए कि महादेव एप के खिलाफ कार्रवाई की गई, क्योंकि हेड ऑफिस तो दूसरे प्रदेशों में है, उसके जितने भी चैनल है वो सब दूसरे प्रदेशों से हैंडल हो रहा है, लेकिन फिर भी हमने कार्रवाई की और हम ही बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।